हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल निकिता एजुकेशन में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ जेएसएससी की तरफ से एक नई नोटिफिकेशन आउट हुई है, जिसे मैं आपको बताऊंगी इसमें क्या पोस्ट दी गई है, क्या क्वालिफिकेशन दी गई है, क्या एज लिमिट दी गई है। तो सबसे चलिए मैं आपको वन बाय वन करके बताऊंगी इसमें कितनी पोस्ट दी गई। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, पहली बार विजिट कर रहे तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो देखिए, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से जो है वैकेंसीज निकाली गई है, विज्ञापन संख्या दी गई है 9/2022। यहाँ पे देखिए, झारखंड नगरपालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 JMSCCE 2022 इसका नाम दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पे परीक्षा शुल्क जो है वो 100 रुपीज होंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसमें देखिए पोस्ट मैं बता देती हूँ। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे गार्डियन अधीक्षक के लिए 12 पोस्ट निकाली गई है टोटल। महिला के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 पोस्ट निकाली गई है। और वेटनरी ऑफिसर के लिए देखिए टोटल 10 पोस्ट है और महिला के लिए सिर्फ 1 पोस्ट निकाली गई है। बात करते हैं यहाँ पे सेनेटरी एंड फूड इंस्पेक्टर के लिए, यहाँ पे देखिए यानी कि 24 पोस्ट निकाली गई है। बहुत अच्छी यहाँ पे पोस्ट दी गई है। और बात करते हैं सेनेटरी सुपरवाइजर के लिए, यहाँ पे देखिए कितनी पोस्ट निकाली गई है, 645। और महिला के लिए इसमें बहुत ही है, महिला के लिए 32 है। देखिए टोटल जो है 645 है, तो इसमें आप भर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। योग्यता मैं आपको बताऊंगी, इससे पहले मैं आपको सबसे पहले पोस्ट बता देती हूँ। तो देखिए, राजस्व निरीक्षक के लिए यहाँ पे 184 है, जिसमें कि 9 पोस्ट निकाली गई है महिलाओं के लिए। विधि सहायक के लिए जो है कि टोटल 46 पोस्ट है, जिसमें कि 2 पोस्ट निकाली गई है स्पेशली महिला के लिए है आरक्षित। तो यहाँ पे देखिए मैं बताती हूँ कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले सैलरी की बात बता देते हैं। तो गार्डियन अधीक्षक के लिए यहाँ पे जो है 35,400 से लेके 1,12,400 तक यहाँ पे आपको दिया जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन हमारा होना चाहिए किसी भी संस्थान से हमें ग्रेजुएट होना चाहिए और किस डिसिप्लिन में। तो यहाँ पे देखिए, कृषि विज्ञान, हॉर्टिकल्चर और वानिकी में हमारा जो ग्रेजुएशन होता है तो अप्लाई कर सकते हैं। वेटनरी ऑफिसर के लिए बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 19,900 से लेके 63,200 तक यहाँ पे हमारा जो है पेमेंट दिया जाएगा। बात करते हैं इसमें जो है ग्रेजुएट ही होना चाहिए, किस डिसिप्लिन में होना चाहिए, किस सब्जेक्ट से होना चाहिए। तो वेटनरी साइंस एंड एनिमल्स हस्बेंड्री से हमारा होना चाहिए। बात करते हैं सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर के लिए, तो यहाँ पे देखिए 25,500 से लेके 81,100 तक यहाँ पे है हमारा जो है पेमेंट हमें दिया जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि पीजी हमारा होना चाहिए, सैनिटेशन एंड हाइजीनिक एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन एनवायरमेंट हेल्थ एंड हेल्थ एंड हाइजीन, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल हाइजीन हमारा होता है, तो यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे सैनिटरी सुपरवाइजर के लिए हमारा क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इसकी सबसे पहले बात करते हैं। तो 21,700 से लेके 69,100 तक हमारा पेमेंट दिया जाएगा। और हमारा जो है क्वालिफिकेशन, तो इसमें भी हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि पीजी होना चाहिए, डिप्लोमा इन सैनिटरी इंस्पेक्टर या फिर हेल्थ एंड सैनिटेशन या फिर वाटर सैनिटेशन अगर हमारा होता है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं राजस्व निरीक्षक के लिए हमारा क्या होना चाहिए, तो राजस्व निरीक्षक के लिए देखिए हमारा जो पेमेंट होता है वो देखिए 25,500 से लेकर 81,100 तक हमें पेमेंट दिया जाएगा। और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यानी ग्रेजुएट हमारा जो होना चाहिए, किस सब्जेक्ट से, तो यहाँ पे देखिए वाणिज्य यानी कॉमर्स से होते हैं, अर्थशास्त्र गणित सांख्यिकी से हमारा होता है, तो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और बात करते हैं विधि सहायक के लिए, तो यहाँ पे देखिए 29,200 से लेके 92,300 तक हमारा जो है पेमेंट दिया जाएगा, हमारा जो वेतन होगा। और इसमें देखिए विश्वविद्यालय से हमारा जो है विधि यानी कि लॉ में हमारा जो है स्नातक होना चाहिए। इसमें देखिए न्यूनतम हमारी उम्र सीमा 21 वर्ष दी गई है, अधिकतम उम्र सीमा जो है 35 वर्ष और आपकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे उम्र सीमा दी गई है, तो आप देख लीजिएगा एक बार। और इसमें देखिए हमारा जो है सुधार किया जाएगा, अगर आपको मिस्टेक से कुछ गलत हम लोग वहाँ पे भर देते हैं, तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को छोड़ के और नाम और जन्मतिथि को छोड़ के यहाँ पे अगर आपका कुछ भी गलत होता है तो आप वहाँ पे एडिट कर सकते हो, लेकिन अगर आप इतना ध्यान से भरिएगा इतने में आपको कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। और मैं बता देना चाहती हूँ इसका देखिए सिलेबस जो है, इसमें देखिए जो है पेपर वन में हिंदी इंग्लिश पूछा जाएगा और जनजाति आपका पेपर टू में पूछा जाएगा, और जो पेपर थ्री है उसमें जो है सामान्य अध्ययन, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, तकनीकी से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका आपको अगर डीपली नॉलेज चाहिए, डीपली आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ आपसे मिलते हैं।